नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मटर के छोले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पीले मटर को रात में पानी में भिंगो के रखा था, इससे हमने करीब 8 घंटे फुलाया। अब हम इसे कुकर में डाल देंगे और अब हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। और अब इसमें पानी डालें, एक सीटी आने तक इसे तेज आंच में रखें और फिर धीमी आंच पर 3 सीटी आने तक रखें। दूसरे ओर हम कढ़ाई को गर्म करके उसमें तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें साबुत जीरा डालें। अब इसमें थोड़ा सा हींग डालें। अब इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज डालें। अब इसमें नमक डालें। कुछ देर इसे अच्छे से भूनें। हमने 2 टमाटर, 2 हरे मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था, अब हम इसमें उसे डाल देंगे। इसे कुछ देर अच्छे से भून लें। और अब इसमें हम मसाले डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। हमने मटर में भी नमक डाला था, इसलिए यहाँ हम थोड़ा कम नमक डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें। मसालों को तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से भूनें। अब मसाले भून चुके हैं। इधर हमारे मटर भी उबल चुके हैं। अब मसालों में उबले हुए मटर डालें। इसे 2 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। अगर ये ज्यादा थिक लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दें। अब इसे हम ढक के 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हमारे छोले तैयार हैं। इसे अब कोई अलग प्लेट या बॉल में निकाल लें। आप चाहें तो सर्व करने वक्त इसे कटे हुए प्याज और टमाटर से गार्निश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। आप चाहें तो इसे पूरी पराठा के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।